हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट नाउन। व्हाट इज नाउन इन डिटेल? सो लेट्स स्टार्ट इट विद इट्स डेफिनेशन। व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। नाउन वो शब्द है जो हमें किसी भी चीज़ या जगह का नाम बताता है। आई हैव सेड दैट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट नाउन्स इन डिटेल। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ नाउन। देयर आर टोटल 8 टाइप्स ऑफ नाउन। सो द फर्स्ट वन इज कॉमन नाउन। अ कॉमन नाउन नेम्स एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। कॉमन नाउन हमें किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग के नाम के बारे में बताता है। एग्जाम्पल्स, माई बुक इज ऑन द टेबल, इसमें बुक एक कॉमन नाउन है। तमिका वेंट टू स्कूल अर्ली दिस मॉर्निंग, इसमें स्कूल एक कॉमन नाउन है। नाउ द सेकेंड वन इज प्रॉपर नाउन्स। अ प्रॉपर नाउन नेम्स अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। प्रॉपर नाउन हमें स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया के बारे में बताता है। एग्जाम्पल्स, माई बुक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज ऑन द टेबल, इसमें बुक का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि एक प्रॉपर नाउन है। तमिका गोज टू ट्रिनिटी, इसमें ट्रिनिटी एक प्रॉपर नाउन है जो कि स्कूल का नाम है। द नेक्स्ट वन इज सिंगुलर नाउन्स। अ सिंगुलर नाउन नेम्स वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। सिंगुलर नाउन हमें एक ही पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया के बारे में बताता है। एग्जाम्पल्स, माई पेंसिल इज ब्रोकन, इसमें पेंसिल सिंगुलर नाउन है। मे आई बोरो अ पीस ऑफ पेपर, इसमें पेपर एक सिंगुलर नाउन है। नेक्स्ट वन इज प्लूरल नाउन्स। अ प्लूरल नाउन नेम्स मोर देन वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। प्लूरल नाउन हमें एक से ज़्यादा पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया के बारे में बताता है। एग्जाम्पल, माय पेंसिल्स आर ब्रोकन, इसमें पेंसिल्स एक प्लूरल नाउन है। माय पेपर्स आर स्कैटर्ड अराउंड द फ्लोर, इसमें पेपर्स एक प्लूरल नाउन है। नेक्स्ट वन इज पोजेसिव नाउन्स। अ पोजेसिव नाउन शोज ऑनरशिप। It uses apostrophe at the end, or we can simply say that possessive nouns shows the belongingness of a thing. For example, the boys basketball team is walking down the hall. I borrowed my sister's shirt. So the next is concrete nouns. A concrete noun names a material thing, person or place. It is something that can be physically touched. Examples, a parade began at 7 o'clock to celebrate the 4th of July. The next is abstract nouns. An abstract noun names ideas, feelings or qualities that cannot be physically touched. For Geeta wept in sorrow over the loss of her dog. So the next is collective nouns. Collective nouns name a group or collection of people, places, things or ideas. They are considered one unit and so they are singular. Collective nouns hame kisi bhi cheez, person, place, things ke group या कलेक्शन के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द क्राउड साउंड्स लाइक अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। क्राउड इसमें एक कलेक्टिव नाउन है।
द स्टाफ इंक्लूड्स प्रोफेशनल्स एंड नॉन प्रोफेशनल्स. इसमें स्टाफ एक कलेक्टिव नाउन है. द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज स्टैंडिंग इन द लाइन. इसमें ग्रुप एक कलेक्टिव नाउन है. तो आज की इस वीडियो में हमने नाउन्स को डिटेल में जाना. तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.